महाबली शेरा ने किया इंपैक्ट रेसलिंग को साइन, उसोस और शेमस के रिटर्न पर आया ब्रांड न्यू अपडेट, और कौन चाहता है ब्रॉक लेसनर को फिर से चैंप बनता हुआ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत की जाए भारत की जान यानी कि महाबली शेरा की न्यूज के साथ। तो महाबली शेरा इकलौते ऐसे भारतीय हैं जो कि मूल रूप से भारत से ही बिलोंग करते हैं और जो कि US में काम कर रहे हैं एज ए रेसलर। इससे पहले NXT के अंदर से उन्हें निकाल दिया गया था यानी कि रिलीज कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों अब खबर यह आ रही है कि उन्होंने ऑफिशियली साइन कर लिया इंपैक्ट रेसलिंग को। दरअसल आज से 3 हफ्ते पहले हमें महाबली शेरा देखने को मिले थे इंपैक्ट रेसलिंग की टेपिंग्स में अपना रिटर्न करते हुए, जहां दोस्तों उन्होंने ज्वाइन किया था देसी हिट स्क्वाड को, और तब से लेकर अभी तक उन्होंने इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर तबाही मचा रखी है। इंपैक्ट रेसलिंग उन्हें एज ए बीस्ट बुक कर रही है, एक तरीके से उन्हें ब्रॉक लेसनर के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। जैसे ब्रॉक रिंग में आकर तबाही मचाते हैं, वैसे ही शेरा वहां तबाही मचा रहे हैं, और ये काफी बढ़िया खबर है। इसके लिए हम शेरा को बधाई भी देना चाहेंगे और चलेंगे आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। वाइस वो जुड़ी हुई है शेमस और उसोस के रिटर्न से। तो तीनों WWE से गायब है। जहां उसोस की बात की जाए तो उसोस SummerSlam के बाद से नहीं दिखे, जिसका रीजन ये रहा था कि वो DUI केस में फंसे थे, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में फंसा था एक उसो, और उसके बाद से लेकर वो दिखे नहीं है। वहीं बात की जाए शेमस की, शेमस को स्पाइनल इंजरी आई थी जो कि लगभग ठीक हो चुकी है। तीनों दोस्तों लगभग रिटर्न को तैयार है, और कल डे मेल्जर ने इनके रिटर्न के ऊपर बड़ी अपडेट दी। डे मेल्जर बोले कि तीनों का रिटर्न कभी भी हो सकता है, और WWE तीनों के ऊपर विचार कर रहा है कि कैसे स्टोरी लाइन वर्क करेगी तीनों के रिटर्न में। खास तौर पर उसोस के ऊपर WWE काफी ज्यादा विचार कर रहा है, और जैसे ही स्टोरी लाइन तैयार होती है वैसे ही दोस्तों बुला दिया जाएगा इन तीनों को फिर से WWE के अंदर। वेल, होप करते हैं कि शेमस का रिटर्न उसोस से पहले हो जाए। हालांकि दोस्तों माना यही जा रहा है कि उसोस पहले आएंगे, वेल देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये काफी बढ़िया खबर है अपने आप में कि हमें इन सुपरस्टार्स के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। बट अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस, वो जुड़ी हुई है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों फेस करने वाले हैं कोफी किंगस्टन को, सभी जानते हैं 4 अक्टूबर को दोनों की फाइट होने वाली है फॉक्स नेटवर्क के प्रीमियर पर। ऐसे में हमने भी दोस्तों इसके ऊपर स्पेकुलेशन की थी कि कौन इस मैच को जीतेगा और किसे इस मैच को जीतना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब एक हॉल ऑफ फेमर ने या फिर कह लीजिए लेजेंडरी रेसलर ने तर्क दे दिया है, एक तरीके का बड़ा कमेंट दे दिया है इन दोनों के ऊपर। और उस व्यक्ति का कहना यह है कि इसके अंदर जो जीतना चाहिए वो है ब्रॉक लेसनर, और ये लेजेंड कोई और नहीं, ये है बबा रेड डडली। तो बबा रेड डडली दोस्तों हाल ही में रेसलिंग से रिटायर हुए हैं, और हाल ही में दोस्तों उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि ब्रॉक को जीतना चाहिए उस मैच के अंदर जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है। यहाँ बबा रेड डडली के अनुसार जो प्रीमियर पर मैच होगा उसमें ब्रॉक को इसीलिए जीतना चाहिए क्योंकि ब्रॉक लेसनर काफ़ी बड़ा नाम है और इकलौता ऐसा नाम है जिन्हें रेसलिंग से बाहर भी लोग जानते हैं। इसके बाद बबा का कहना ये रहा कि अगर ब्रॉक लेसनर चैंप बन जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की निगाहें शो के ऊपर आ जाएगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्यून इन करेंगे फॉक्स नेटवर्क को, क्योंकि वहां ब्रॉक लेसनर आ रखे होंगे और ब्रॉक पहले से ही काफ़ी हाउसहोल्ड नेम है। तो ऐसे में ब्रॉक को वहां मैच को जीतना चाहिए। और यहां दोस्तों अंत में बबा रेड डडली क्या बोले कि यही चीज बेस्ट फॉर बिजनेस होगी। अब गाइस, ब्रॉक लेसनर का जीतना मैंने आपको पहले बता दिया था बेस्ट फॉर बिजनेस ही है, क्योंकि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जो है WWE उसमें स्पोर्ट्स का हिस्सा जो ज्यादातर कवर करते हैं वो हमारे ब्रॉक लेसनर ही कवर करते हैं। उनकी फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल होती है, लेजिट होती है, काफी मजा आता है देखने में, और फॉक्स नेटवर्क को ऐसा ही चैंपियन चाहिए। अब लेजेंड्स भी यही चीज कहने लगे हैं कि ब्रॉक को जीतना चाहिए। दोस्तों हमें चीज देखने को वाकई में मिल सकती है कि ब्रॉक वहां न्यू WWE चैंपियन बने। लेकिन दोस्तों सवाल आज कुछ ऐसा पूछा जाएगा जो कि अटपटा हो कि अगर वहां कोफी हरा देते हैं ब्रॉक को खुदा ना खास्ता, तो आपका क्या रिएक्शन आएगा वो कमेंट करके बताएगा जरूर। बट दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।